वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर शेयर कैपिटल। तो प्लस टू का अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है आपको वॉल्यूम टू में, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट दी होगी, जैसे हमने बोला है बी लिमिटेड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस विद 50 लाख रुपीस। बी लिमिटेड ने अपना जो बिजनेस है 50 लाख रुपीस के साथ स्टार्ट किया है। दे ऑफर टू पब्लिक 40,000 शेयर्स, उन्होंने 40,000 शेयर्स हैं वो लोगों को ऑफर किए हैं, दैट इज़ ऑफ ₹100 ईच। अब जो 50,000 के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो हमारी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो हमारी बन जाएगी 50 लाख रुपीस। अब जो 50 लाख है उसमें से जो 40,000 शेयर बनाकर वो लोगों को इशू कर रहे हैं, तो मतलब अगर 40,000 शेयर्स हैं, एक शेयर का रुपीज़ उन्हें 100 रुपीज़ रखा है, तो टोटल वो 40 लाख ऐसे लोगों से कवर अप कर लेंगे। तो 10 लाख वो खुद कंट्रीब्यूट कर लेंगे और जो बाकी का 40 लाख है वो ऐसे लोगों को शेयर्स इशू करके वो कवर अप कर लेंगे। तो जब 40,000 शेयर्स होंगे, 100 रुपीज़ का एक शेयर होगा, वो लोगों को ऑफर करेंगे तो लोग उस शेयर्स को खरीदेंगे। तो जब भी शेयर खरीदे जाते हैं तो उसको आपको 100 रुपीज़ फुल नहीं देना होता है। जैसे जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन के टाइम 20 रुपीज़ देने होंगे आपको, अलॉटमेंट के टाइम 30 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 20 एंड जो फाइनल कॉल है वो 30 रुपीज़ की। तो वो 100 रुपीज़ उन्होंने डिवाइड करके उन्होंने लोगों से वो लेने हैं। तो इसमें आपको बोला हुआ है पास एंट्रीज, तो एंट्रीज पास करने के लिए बोला हुआ है। तो हम सबसे पहले हमें देखना होता है ऑफ़र कितने किए हैं लोगों को, उन्होंने ऑफ़र किए हैं 40,000 शेयर्स एंड पब्लिक सब्सक्राइब फॉर फुल, जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है दैट इज ऑल्सो 40,000। तो कंपनी ने 40,000 शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने 40,000 सब्सक्राइब कर लिया है, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये नील है। इसे बोला जाता है एट पार, ये एट पार का कॉन्सेप्ट है, जितने शेयर इशू किए उतने ही वो सेल हो चुके हैं। तो इसमें आपको एंट्रीज करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, तो ऐसे आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। ये सारे कॉलम ड्रॉ करने के बाद आप यहां लिखोगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, कंपनी ने एप्लीकेशन ऑफर की है, लोगों ने खरीदा है, ठीक है। तो 20 रुपीज़ के साथ तो आपकी फर्स्ट एंट्री आ जाएगी, जब लोगों ने अप्लाई किया तो मनी इन हो रही कंपनी के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन है, तो कंपनी के पास कितने पैसे आ रहे हैं, 8 लाख। तो जब लोग अप्लाई करेंगे कंपनी के लिए मनी इन हो रही है, तो यहाँ नरेशन आएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी जब रिसीव हो जाएगी तो कंपनी उसको ट्रांसफर करेगी उस मनी को, तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जितनी शेयर एप्लीकेशन है वो सारी की सारी मनी ट्रांसफर हो जाएगी शेयर कैपिटल में, 8 लाख एंड 8 लाख। तो ये आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो कंपनी जितने पैसे उसके पास एप्लीकेशन के आ रहे हैं वो सारे के सारे वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो
तो पहले जो आपने एप्लीकेशन कंपनी ने ऑफर किया है, पब्लिक ने वो खरीदा है, उसको उसकी वो दो एंट्रीज आ जाएंगी। तो देन अलॉटमेंट, जब आपने अप्लाई किया, लोगों ने अप्लाई किया, तो कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगी। अलॉट करने के टाइम वो बोलेगी कि आपके इतने पैसे ड्यू हैं, आप पे करो। तो इसकी एंट्री बनेगी थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने हैं, 40,000 शेयर्स हैं एंड अलॉटमेंट के टाइम पे आपको 30 रुपीस बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल 12 लाख, 12 लाख डेबिट एंड 12 लाख क्रेडिट। तो कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू कर दी है, तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब ये पैसे ड्यू हो जाएंगे तो कंपनी के लिए फिर वो मनी रिसीव होगी। तो जब मनी रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 इंटू 30। तो 12 लाख जो ड्यू हुआ है वो उनको रिसीव हो रहा है, तो 12 लाख डेबिट एंड 12 लाख क्रेडिट। यहाँ नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो पहले एप्लीकेशन के पैसे आए, उसके बाद अलॉटमेंट की मनी भी रिसीव हो रही है, उसके बाद कंपनी अगेन फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, क्योंकि उसने कंपनी 100 रुपीज़ का जो शेयर है वो 100 पूरा करना है, तो वो 100 फुल नहीं ले रही, वो भी वो डिवाइड करके ले रही है, 20 एप्लीकेशन के टाइम, 20 अलॉटमेंट के टाइम। अब नेक्स्ट कंपनी फिर से कॉल कर रही है, तो ड्यू की आपको कॉल आएगी कि आपके फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 40,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल के कितने पैसे हैं, 20 रुपीस, तो हम इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये अगेन बन जाएगा 8 लाख। इसकी नरेशन आएगी बीइंग अलॉटमेंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है 8 लाख के साथ, अब लोग वो पैसे पे करेंगे, तो मनी बैंक कंपनी के लिए इन हो रही है। तो जब मनी इन होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगेन जो 8 लाख ड्यू हुआ था वो 8 लाख रिसीव हो गया। तो ऐसे फर्स्ट कॉल के पैसे आ गए। अब लास्ट कॉल रहेगी 30 रुपीस, तो 30 है फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल की एंट्री हम यहाँ डाल देते हैं 7। तो हम अगेन एंट्री डालेंगे फाइनल कॉल की, तो एंट्री होती है इसकी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितने हैं, 40,000 शेयर हैं एंड फाइनल कॉल कितने रुपीस की है, 30 रुपीस की, हम 30 के साथ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 12 लाख डेबिट एंड 12 लाख क्रेडिट। तो इसकी नरेशन आएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। जब ये पैसे ड्यू हो जाएंगे, तो पब्लिक ने जिसने सब्सक्राइब किया है वो पैसे पे करेगी, तो मनी जो है कंपनी के लिए अगेन इन हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो अगेन जो 12 लाख ड्यू हुआ था वो 12 लाख कंपनी को रिसीव हो जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ऐसे 100 रुपीस का एक शेयर था, जो 40,000 शेयर्स इशू किए थे उसके अकॉर्डिंग 100 रुपीस के रिगार्डिंग जो 100 है वो मनी कंपनी के लिए इन हो जाएगी।
जब ये 30 रुपीज़ तक फाइनल कॉल तक आपके पैसे पूरे हो जाएंगे कंपनी के, तो आप उतने शेयर्स के वो हैं वो शेयर होल्डर बन जाओगे, उतने ओनर बन जाओगे कंपनी के। तो इसमें आपने दो एप्लीकेशन की एंट्री डालनी होती हैं, दो अलॉटमेंट की, दो फर्स्ट कॉल की एंड दो फाइनल कॉल की। इसको याद करने का वे होता है, फर्स्ट आपकी रिसीव की एंट्री आएगी, देन ट्रांसफ़र की, उसके बाद ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, मनी ड्यू होती जाएगी देन रिसीव होती जाएगी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ड्यू रिसीव, ड्यू बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। तो इसको याद करने का भी ये होता है। तो ऐसे शेयर कैपिटल में आपकी जर्नल की एंट्रीज आती हैं और ऐसे आपने एंट्रीज को डालना होता है। जो एट पार का टॉपिक है शेयर कैपिटल में, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करें।